बच्चे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन स्टूडेंट को जिन्होंने ये बक्सर डिस्ट्रिक्ट का पेपर, इंग्लिश का पेपर मुझे सेंड किया है। 2023 का एग्ज़ाम का पेपर है। क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था क्योंकि यहाँ भी एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिला। सेक्शन ए में देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला वो पहले का ही क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है। तो सेकेंड वाला, थर्ड वाला सब आप देख ले, ये ठीक ही लिखा है। द डिस्टेंस बिटवीन, ये वाला नौगांव डिस्ट्रिक्ट में भी कवर किया गया था, 6 माइल था, भेली का जो विलेज था 6 माइल था। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट ने भी जिस टाइप से भेजा है मैं उसी टाइप से आपको दिखा रहा हूँ। एमेंडा आर्न फॉर फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट, द फ्रीडम, है कि नहीं, तो लव, 4 ऑप्शन था। द मैनेजिंग ऑफ वर्ड प्लेस इज, क्या होनी चाहिए। यहाँ पे एक एक मार्क का क्वेश्चन फिर से दिया है। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम, आपको याद रखना पड़ेगा। द बेल पोइम जो है उसके लेखक कौन है। यहाँ पे आपको सभी पोइम का राइटर के नाम याद होने चाहिए। वो फिर से द बेल पॉइंट साइड कोई चैप्टर है वहाँ से दिया है। वेयर डिड द बेल लैंडेड फाइनली, व्हाट एटीट्यूड द एनिमल्स टुवर्ड्स देयर कंडीशन। फिर से यहाँ से सेक्शन सी में भी 1 मार्क क्वेश्चन बनाया है, आपको एमसीक्यू मिलेगा ही मिलेगा। ग्रिफिन वाला चैप्टर से भी देखिए 1 मार्क का बना रहा है। ये सप्लीमेंट्री जो बुक होता है फुटप्रिंट विदाउट फीट्स, वहाँ से क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, इस बार 4 मार्क का बनाया है। उसके बाद यहाँ पे डिटरमिनेंट दे ही देता है, डिटरमिनेंट्स में ऑप्शन भी दे दिया है, लेकिन आपका फाइनल एग्जाम में ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बोलेगा सोल्व, सोल्व का बात करूँ तो द स्टिच ठीक ही है, यहाँ पे राइट है। मैनी ऑफ यू आस वांट टू सी द फेमस एक्टर, ठीक है, ये भी राइट है। हैव यू एनी बुक, ये भी राइट है। एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ये भी राइट है। उसके बाद सुमिता इज वीक इन इंग्लिश, हाँ ये भी सही है, टू इंग्लिश नहीं होगा, इन इंग्लिश होगा, 8 तो होगा ही नहीं। उसके बाद पोअर स्टूडेंट आर ऑप्टेन डिलीजेंट एट स्टडी और इन स्टडी, इन होगा, यहाँ भी इन होगा, इन स्टडी। आई एम रिलेटेड टू, टू होगा यहाँ पे, रिलेटेड टू द ब्लाइंड मैन इज सीटिंग ऑन द ट्री, राइट है। अंधा आदमी ऑन द ट्री नहीं होगा, अंडर द ट्री होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ब्लाइंड मैन जो है वो बैठा है, सीटिंग बैठ रहा है, तो ऑन द ट्री तो नहीं होना चाहिए, पेड़ के ऊपर तो नहीं होना चाहिए, पेड़ के अंदर भी नहीं होना चाहिए, इन तो होगा ही नहीं। 2 ऑप्शन बच रहा है 50-50 में, ऑन और अंडर, अंडर होना चाहिए। यहाँ पे 2 क्वेश्चन करेक्ट टेंस का है, यहाँ पे आंसर होना चाहिए था ही वाज, ही के बाद वाज हेल्पिंग, हेल्पिंग आईएनजी लगेगा, हेल्पिंग, बस इतना ही, बाद बाकी सब सेम होगा। ही सेड दैट ही वाज हेल्पिंग हिज फ्रेंड इन फ्यूचर। द चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग, वेयर प्लेइंग पास्ट टेंस में जाएगा, वेयर प्लेइंग, इजी दिया था, दोनों ही इजी था। लेंचो से क्वेश्चन है, भेली से क्वेश्चन है। ट्रू फॉल स्टेटमेंट से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। सेक्शन बी में देखते हैं, यहाँ भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। निरीक्षण करना है, वॉइस चेंज करना है। ये तो इजी ही था, मैं बोल देता हूँ। द लेटर हैज़ है तो हैज़ के साथ बिन लगेगा, द लेटर हैज़ बिन पोस्टेड ऑलरेडी, थर्ड फॉर्म है तो उसको देना ही पड़ेगा, टेंस भी पकड़ना चाहिए, परफेक्ट टेंस का था। तो द लेटर हैज़ बिन पोस्टेड बाई सी का हर होगा, सी का हर होगा, बाई हर,
नेक्स्ट जिस तरह यहाँ पे इज दिया है तो अरबिक इज बीइंग स्पोकन बाय पीपल इन इजिप्ट ऐसा होना चाहिए था। फिर भी एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नरेशन था ये, तो हमेशा आता है ये, प्रीवियस पेपर देख लें आराम से हो जाएगा। प्रीवियस पेपर देख लें, 1 मार्क 100% कंपलसरी। ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ वोकैबुलरी, डिस्क्रिप्शन के नीचे जितना ग्रामर सॉल्व किया हूँ नीचे मिल जाएगा। जिस तरह यहाँ पे मेक सेंटेंस है ये भी ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप ज़रूर जाके देख ले। तो ईरोर वाला था, आपको ट्रांसलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब टेंस राइटिंग कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। समझाया हूँ 5 मार्क पहले दिया जाता था, अब 3 मार्क दिया जा रहा है, कंपलसरी आपको 3 मार्क मिलेगा। उसका ट्रिक भी दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा, आप ज़रूर जाके देख ले। क्लोडिन असम बार बार कहता हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट में कवर होगा। मैं ऑलरेडी परसों ही वीडियो बनाया, इससे पहले भी बनाया था, फिर से एक बार कहता हूँ, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा, ज़रूर जाके देख ले। बहुत शॉर्ट में मैं वहाँ पे टिक करके दिया हूँ, लिखना है। स्टोरी राइटिंग के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल रहा है, वो प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर ले। लेटर के ऊपर बार बार ऐसा ही क्वेश्चन देगा, इस बार भी देने का चांसेस है, फाइनल में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। पैसेज आ जाता है, पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और इसका आंसर देना है। दो पैसेज देता है एग्जामिनर, 5-5 मार्क का, बहुत बड़ी मार्क होती है ये, ऑलरेडी आपका चैप्टर से उठा के दे दिया गया है। सो बाय द वे आई होप कि आपको समझ में आया है, अगर कोई असुविधा हो रही है तो आप कमेंट करके हमें जना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसी तरह का सॉल्यूशन वगैरह पेपर वगैरह लाते रहता हूँ, और एग्ज़ाम से पहले नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा। सो बाय।